हाय गाइस, मैं हूँ अभिजीत सावंत फ्रॉम रॉकस्टार ऑन स्टूडियो एंड आप लोग को आज मैं डांस सिखाने वाला हूँ तेरा जिक्र पे। सिखाने से पहले मैं आप लोग को बहुत सॉरी बोलना चाहता हूँ कि हमारे ट्यूटोरियल्स एंड डांस वीडियोस जो है रेगुलर नहीं है। ठीक है, आई विल ट्राई मेरे साइड से कि मैं हो सके जितना हो सके मैं ट्यूटोरियल पोस्ट करूँ। ओके, सो उसके लिए सॉरी। एंड अगर ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। ओके, सो आपके हाथ कुछ इस तरह से होंगे स्टार्ट में। ठीक है, स्लोली ऊपर करना है एंड स्लोली नीचे लाना है। ओके, एंड जब आप ऊपर ला रहे हो उनको, ठीक है, जैसे ही ऊपर आता है आपको एक हिट देना है टक एंड फिर जाकर टक। इट्स अ सॉफ्ट मूव। ठीक है, इसमें आपको ज़रा भी एनर्जी डालनी है, कुछ भी एफर्ट नहीं डालना है, जैसे आपके हाथ काम करेंगे। तो इट्स 5 6 7 गो, 1 2 3 टक, 1 2 3 टक। सेकेंड थिंग, आप जब ये हाथ का मूव कर रहे हो आपको लुक्स देना है, जैसे ही आपका हाथ ऊपर तक पहुँचेगा आपको यहाँ देखना है, जैसे ही नीचे आएगा वापस सामने देखना है एंड स्लोली स्लोली करना है। ओके, सो लेग्स ओपन है आपके, 5 6 7 गो, 1 2 3 4, 1 2 3 स्टॉप। यहाँ से आपका ये हाथ ऊपर जाएगा, पहले शोल्डर फिर एल्बो फिर हैंड्स। ओके, ध्यान से देखो, शोल्डर एल्बो हैंड्स। एंड जब अभी एक साथ करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, 5 6 7, 1 2 3, 1 2 3। जो आपने यहाँ किया सेम इस जगह पे भी करना है। और फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे ज़रा भी एफर्ट नहीं डालना है, ज़रा भी एनर्जी नहीं डालनी है। ये पूरा डांस एनर्जी लेस है। ओके, ये पूरा डांस यू कैन से सेटल डांस है, आपको सॉफ्ट मूव्स करने हैं। ठीक है, सब जगह। सो आपने किया 5 6 7, शोल्डर एल्बो हिट, शोल्डर एल्बो हिट, देन स्लोली नीचे लाना है। उसके बाद पहले आपका जो है वो लेफ्ट हैंड आएगा, 1, फिर राइट, फिर आपको हाथ खोलना है, फिर आपको एल्बो हिट करना है, फिर 1 2। ओके, सो इट इज 5 6 7, अभी अभी तो। ओके, और एक बार करते हैं स्लो, 5 6 7 गो, 1 2 3 हिट योर एल्बोस, 1 2। ओके, लेग्स थोड़े से ओपन रखना है, यहाँ पे आपको एक हिट करना है लेफ्ट में से, बूम। अब जब ये हिट करो आपको सॉफ्ट फील लेना है, बूफ ऑन द राइट साइड। ओके, सो हमने किया 5 6 7, बूफ। ओके, उसके बाद झटाक से आपको एक लेफ्ट में लुक देना है, सो स्टॉप। ओके, यहाँ पे एक वेव, फिर 1 2 3 4। ओके, सो वापस करते हैं फ्रॉम टॉप, 5 6 7 गो, अभी अभी तो मिले थे फिर जुदा। अभी यहाँ पे टक टक टक, दो बार हिट है, सॉरी मैंने मिस कर दिया अपने ये। आप यहाँ पे आ गए, वैसे ही 1 2 फिर वेव। ओके, और एक बार करते हैं, लेग्स ओपन, 5 6 7 गो, अभी अभी तो मिले थे फिर जुदा। यहाँ से आपको एक हेड टर्न लेना है, हो गए, एंड जो भी आप करोगे आपको टक 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 उस लेंथ में लेना है। ओके, सो 1 2 3 4। इसके बाद ये हाथ आपका कुछ इस तरह से घूमेगा। वैकिंग आपने किया है कभी? अगर आप नहीं किया है तो ये एक ही वैकिंग स्टेप है। आपका जो राइट हैंड है उसको यूज करो, 1 एंड। ओके, पूरा वैक करना है, 5 6 7, 1 एंड, फिर ये जो हाथ है जो मैंने स्टार्ट में किया था सेम, मगर इस बार थोड़ा एनर्जी में, थोड़ा सा एनर्जी में। ओके, सो हमने किया 5 6 7 गो, वैक वैक हिट स्टॉप। जैसे आप यहाँ पे स्टॉप हो गए, पुश इट इन, 1, ये झटके में 1 करना है, 1 2 3। ओके, और एक बार हमने पुश आउट किया, 1 2 3, इसको एक झटके में अंदर लेके बूम एक वेव देना है। ओके, और एक बार करते हैं फ्रॉम यो, 5 6 7 गो, अभी अभी तो मिले थे फिर जुदा हो गए, क्या थी मेरी खता। तो ये आपने हिट किया, यहां से आपको टर्न लेना है लेफ्ट साइड में, सो यू विल गो 1 2 3। टर्न बहुत सॉफ्ट होगा, इसमें भी एनर्जी डालनी है। सो आपने टर्न लिया, आपका हाथ यहाँ पे आएगा एंड बूफ ऊपर आना है। ठीक है, और एक बार 5 6 7 हमने किया, टर्न गो डाउन लुक अप एंड फिर जो है आपको राइट लेफ्ट जाना है। सो इट्स 5 6 7 राइट लेफ्ट, फिर आपका जो लेफ्ट लेग है उसमें ड्रॉप करो टक टक। ओके, आप पीछे आ गए, यहाँ से एक हिट है बूफ। अभी आप हिट कैसे भी कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं ऐसे ही करना है, आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, पर आपको हिट करना है, कोई भी हिट करना है। हिट किया, उसके बाद मुझे, सो आपको जो राइट हैंड है, 5 6 7
मुझे खो। ओके, जब आप किसी को खोते हो तो आप कैसे इशारा करोगे उस टाइप का? 5 6 7 मुझे खोने के। ओके, सो आपको आपका राइट लेग फ्लिक करना है, फ्लिक एंड प्लेस लाइक दैट बट सॉफ्ट। 5 6 7 मुझे खोने के बाद ये जाएगा बाहर, के बाद तुम मुझे याद टिक। ओके, कुछ ऐसा है। अगेन एक बार करते हैं। 5 6 7 मुझे खोने के बाद एक दिन, फिर स्लीक करना है आपका, जो राइट लेग है वो स्लीक करके लेफ्ट में आएगा, स्लीक। बहुत ही सॉफ्ट स्टेप है, आपने ये हिट किया स्लीक, आपको इस पे रेस्ट करना है एंड आपका एक फोन बाहर आएगा टैक। मुझे याद, तो दो बार आपको हॉप कर डायल करना है नंबर 5 6 7। करोगे फ्रॉम हियर अगेन यू टू गो बैक विद द लेफ्ट हैंड, बुफ एक हिट करके पीछे जाना है। ओके, आई होप तुम यहां तक आ गए हो। चलो पूरा करते हैं फ्रॉम टॉप, यहां से करते हैं। चलो 5 लेग्स ओपन, 5 6 7 गो। 1 2 3 लुक, 1 2 3 लुक, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 गो। अभी अभी तो मिले थे फिर जुदा हो गए, क्या थी मेरी खता तुम ना ना हो गए। 6 7 मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करो टक। यहाँ पे भी एक हिट है, सो टक आपने हिट किया, आपने डायल किया नंबर, आप पीछे आ गए, आपने हिट किया। यहां से आपके लेग्स देखो, 5 6 7 आपके लेग्स क्रॉस ओपन मतलब इन आउट है, सो इट इज 5 6 7 इन आउट एंड योर हैंड्स विल गो क्रॉस ओपन। 5 6 7 क्रॉस ओपन एंड आपको लेफ्ट साइड में लुक देना है, सो इट इज 5 6 7, 1 2। फिर यहां से आपको ये लेग को ड्रैग करके सामने लाना है, भूप क्लोज। ओके, सो कुछ ऐसा है। 5 6 7 फिर मिलने की टिक, एक क्लिक देना है। अगेन 5 लेग्स ओपन, 5 6 7, 1 2 टर्न क्लिक। फिर जो आपका लेफ्ट लेग है वो सॉफ्टली आगे आएगा, बूफ। ये पूरा स्लो एंड सॉफ्ट है, कोई घाई करने की जरूरत नहीं है, बहुत सॉफ्ट रखो, मूव अपने आप अच्छा दिखेगा। सो आपको स्लो जाना है, एज इफ यू आर वॉकिंग ऑन वॉटर, ऐसे जैसे आप पानी में चल रहे हो। सो आपको स्लो, फिर यहाँ पे एक टच, जब आप टच दे रहे हो टच का मतलब आपको हिट करना है। सो 1 टिक, देन कम बैक 2 टिक। ओके अगेन 5 6 7, 1 टिक 2 टिक, कीप, ये हाथ वैसे ही रहेगा, आपको लेफ्ट की तरफ मूव होना है। सो 1 2 3 स्टॉप, ये भी बहुत सॉफ्ट है। सी, पॉपिंग का राज ये है कि आपकी बॉडी को सेटल रखना है, जरा भी मूव नहीं करना है, जो मूव करना है वो आपका इंस्टिंक्ट मतलब अंदर से फीलिंग आना चाहिए कि यार ये मूव हो रहा है। ओके, सो यहां से करते हैं 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पैरों से मूव करना है। अगेन ये जो पूरा स्टेप है आपको पैरों से मूव करना है, देन टेक अ वेव, बुप आउट वेव देना, आउट ओके बाहर वेव दिया, ये हाथ पीछे गया, ये हाथ नीचे गया एंड एक हिट, एक लेग का हिट। ओके, सो यहां तक जो डांस है वो मैंने सेट किया था, उसके आगे पूरा फ्रीक आउट है। ओके, तो एक बार पूरा फ्रॉम टॉप करते हैं, अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो मेरे साथ कर सकते हो। सो लेट्स जस्ट डू इट फ्रॉम टॉप, लेट्स गो फ्रॉम टॉप। 5 6 7 गो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, 1 2 3, अभी अभी तो मिले थे फिर जुदा हो गए, क्या थी मेरी खता फिर ना ना हो गए। 6 7 मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे। यहाँ पे गिटर है गे। ओके, इसके बाद 5 6 7 मुझे कि तुम ना 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 गे, बुफ बुफ टक।
ओके सो यहाँ तक कोरियोग्राफी थी. ओके सो यहाँ तक कोरियोग्राफी थी. उसका आगे फ्रीकआउट करना है. फ्रीकआउट में बेसिकली आपको कुछ नहीं, आपको रैंडमली मूव होना है एंड वो हिट पकड़ना है. हिट पकड़ने से हमारा मतलब ये है कि आपको आपके एल्बोज हिट करने हैं. पॉपिंग में बेसिकली क्या होता है, आपके एल्बोज अगर हिट हो गए तो वो हिट लगना. सो आगे का जो फ्रीकआउट है पूरा हिट पे है. सो इट्स 5 6 7 टाक 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 अपने एल्बोज से हिट करो. ओके सो मैं ट्राई करूंगा कि एक अलग से डेडिकेटेड ट्यूटोरियल पॉपिंग के ऊपर ही बनाओ. सो गाइज यहाँ पे ट्यूटोरियल खत्म होता है. आई होप तुम्हें ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो और भी ट्यूटोरियल आप और भी ट्यूटोरियल सीख सकते हो. तब तक के लिए बाय, सी या, मिलते हैं.